हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ संचिता, एन एकेडमिक काउंसिलर ऑफ पाइस एडुकेयर। आज हम लोगों का बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आप सभी लोगों को ये पता हो गया है कि 23-24 बांग्लादेश का जो बैच है, उन लोगों का जो क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को लेकर के आ गए हैं। उन लोग के मुंह से हम लोग सुनेंगे कि पाइस एडुकेयर के साथ उन लोग का जर्नी कैसा रहा, इसके बारे में। आज मेरे साथ आफक वासिम है। तो आफक, खुद के बारे में कुछ बताओ एंड आपका फीलिंग कैसा हो रहा है कि आप ये पहली बार बांग्लादेश जा रहे हो। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम आफक वासिम है और मैं बेतिया बिहार से रहने वाला हूँ। ओके। और मैंने बांग्लादेश को चूज़ किया है फॉर माई एमबीबीएस स्टडीज़, और ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है पाइस एडुकेयर के थ्रू। और मुझे कुछ ज़्यादा दिन वेट करना पड़ा क्योंकि बैचेस काफ़ी डीले चल रहे थे, लेकिन इस बीच आप लोग का कंपनी बहुत रहा और छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन आप लोग भी हमें देती रही टाइम टू टाइम, और फाइनली 5 जून से क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। और आप लोग का भी कोऑपरेशन था, सर ने सब चीज़ को ट्रांसपेरेंट रखा, और इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड आई रिकमेंड एवरीवन दैट वो लोग पाइस एडुकेयर को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एडमिशंस। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो? मैं ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। ओके, और आपने जो ये ढाका का जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है बांग्लादेश का, तो ये कॉलेज चूज करने में मतलब ये तुमने खुद से डिसाइड किया था या फिर पाइस आपको मतलब ये सजेशन दिया था? इस कॉलेज के बारे में मैंने भी सर्च किया था और आप लोगों ने बताया था इसके बारे में, और सजेशन सर ने भी दिया था कि अच्छा कॉलेज है वगैरह वगैरह, तो एट द लास्ट हमने कॉलेज सेलेक्ट किया। ओके, तो फाइनली मतलब जा रहे हो, सपना पूरा होने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी बात करते हैं पेरेंट के साथ। सर जी नमस्ते एंड सलाम वालेकुम, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल कि आप लोग मतलब ये जो एक साल का जो गैपिंग है, इनमें आप लोग बहुत पेशेंस रख के हम लोग को ट्रस्ट किया है एंड हमारा साथ दिया है, तो आपके ये पेशेंस के लिए हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल हैं सर। तो थोड़ा सर आप बताइए हमारे साथ सफ़र मतलब आपको कैसा लगा? मेरा नाम वसीम अख्तर हुआ और मैं बिहार के बेतिया सिटी से रहने वाला हूँ, और थोड़ा सा डिले हुआ इस प्रोसेस में, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा हमेशा। जब भी मैं कॉल करता हूँ आप लोगों को अच्छा गाइडलाइन मिलता है, और कोविड की वजह से थोड़ा क्लासेस डिले हुआ, लेकिन फाइनली 5 तारीख से 5 जून से क्लास शुरू हो रहे हैं, और कल की मेरी फ़्लाइट है, मैं खुद जा रहा हूँ बच्चे को लेके, और इसके लिए थैंक्सफुल फॉर पूरे पाइस एडुकेयर के जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, और आपका संचिता मैम, आपका बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आपने प्रॉपर गाइडेंस दिया। बार बार जब भी मैं कॉल किया हूँ या फिर जब भी कोई भी छोटा सा भी आपके पास इंफॉर्मेशन आया, आपने पास आउट किया है, इसके लिए थैंक्सफुल फॉर पाइस एडुकेयर। जी, थैंक यू सर। एंड आप बिहार से कहाँ से आए हैं? बेतिया सर, बेतिया सिटी से रहने वाले। अच्छा, जी सर, तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे का मतलब बच्चा जो जा रहे हैं उसका सपना पूरा हो सके, एंड हम लोग सर पूरा मतलब जब तक बच्चे के हाथ में लाइसेंस टू प्रैक्टिस नहीं मिल पा रहा है, तब तक हमारा सपोर्ट जैसे पहले से था तब भी रहेगा। हम लोग हर हाल में बच्चे को अगर कुछ भी इशू होता है छोटा मोटा, हम लोग संभाल देंगे सर। आप थोड़ा हम लोग को मतलब हमारे ऊपर भरोसा रखें, सब कुछ ही अच्छा होगा। एंड मतलब आने वाला सेशन यानी कि 25 सेशन में शायद ऐसा होगा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नोटिस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कि इस बार थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाएगा, कोविड का सिचुएशन अभी नहीं रहा। तो सर सब कुछ कुल मिला करके सब कुछ अच्छा होगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स फॉर योर टाइम। आपको अगर बांग्लादेश में कोई भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए है, एंड आप लोग अगर हमारे ऑफिस में आकर के डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। वी आर लोकेटेड पार्क सर्कल सेंट्रल कोलकाता, 7 पॉइंट क्रॉसिंग के पास, आकाश इंस्टीट्यूशन के 5th फ्लोर में आप
कभी भी आ सकते हैं, हमारा ऑफिस 7 days ओपन रहता है। तो आज मतलब हम लोग का जो ये कन्वर्सेशन था यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, और हम लोग मिल लेंगे अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।